हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिया बिगेस्ट डैम। जैसा आप जानते होंगे, इसको हम अपनी भाषा में बांध कहते हैं। जिनको नहीं पता डैम क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं, तो डैम बेसिकली रिवर के ऊपर बनाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए, और इस पानी को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। डैम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। डैम से हम बाढ़ को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इस पानी से हम खेतों में सिंचाई, इंडस्ट्रियल यूज़ और हमारे पीने के काम आता है। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 बिगेस्ट डैम ऑफ इंडिया। इस लिस्ट पे 5वें नंबर पे नाम आता है नागा अर्जुन सागर डैम का। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पे हुआ है। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1955 से 1967 के बीच में हुआ था। इसकी हाइट 124 मीटर और लेंथ 1550 मीटर है। इस डैम का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी 816 मेगावाट है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डैम की तरफ। इस लिस्ट पे 4th नंबर पे नाम आता है हीराकुंड डैम का। यह डैम महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। यह डैम अपने देश का सबसे लंबा डैम है। इसकी लंबाई 25.8 मीटर है, जिसमें केवल डैम की ही लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ये डैम 1953 में बनकर तैयार हुआ। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 347 मेगावाट। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डैम की तरफ। सो इस लिस्ट पे 3rd नंबर पे नाम आता है सरदार सरोवर डैम का। यह डैम गुजरात राज्य के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया नामक स्थान पर है। यह डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बना है, जहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। अगर हम बात करें इस स्टैचू की लंबाई की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है। और यह डैम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का विजन था कि यहाँ पे डैम बने। अगर हम बात करें इस डैम की हाइट की, तो इसकी हाइट है 163 मीटर और लेंथ है 1210 मीटर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो यह है 1450 मेगावाट। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डैम की तरफ। सो इस लिस्ट पे 2nd नंबर पे नाम आता है भाखड़ा नांगल डैम का। यह डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह डैम सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। यह डैम को गोविंद सागर रिजर्वायर बनाती है। इस डैम की हाइट है 266 मीटर और लेंथ है 520 मीटर। अगर हम बात करें इस डैम की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो यह है 1325 मेगावाट। अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो ये 1948 में बनना शुरू हुआ था और ये ओपन हुआ था 1963 में। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डैम की तरफ। सो इस लिस्ट पे 1st नंबर पे नाम आता है तेहरी डैम का। यह डैम उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा डैम और विश्व के ऊंचे डैम में आता है। अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो इस डैम की हाइट है 260.5 मीटर और इस डैम का लेंथ है 575 मीटर। ये इंडिया का बिल्कुल नया डैम है और इस डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1978 में और ये ख़त्म हुआ था 2006 में। इसका टोटल कॉस्ट पड़ा था 30,000 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यह एक टूरिस्ट प्लेस भी है। अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी की, तो यह है 1000 मेगावाट, जो फ्यूचर में 2400 मेगावाट तक होने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।